नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना। डीएनए में आपका स्वागत है। क्या देश में चौराहे पर गोहत्या करके उस पर राजनीतिक एजेंडा चलाना जायज है? क्या केंद्र सरकार की किसी नीति के विरोध में सड़क पर खुलेआम गोहत्या की जा सकती है? क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश की 80% आबादी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या हिंदुओं की आस्था पर इस तरह सार्वजनिक चोट करना राजनीतिक बर्बरता की निशानी नहीं है? ये सब कुछ दक्षिण भारत के राज्य केरल में खुलेआम हुआ। आज डीएनए में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे बीफ बैन के मुद्दे पर लोगों की भावनाएं भड़काने की साजिश हो रही है, और यह काम कर रही है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस। केरल में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम सड़क पर गोहत्या की और इस अपराध को राजनीति से ढकने की कोशिश की, लेकिन ऐसी बातें छुपती नहीं है, ऐसी खबरें दबती नहीं है। हम इस गोहत्या को राजनीतिक गोहत्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना में गाय को भावनाएं भड़काने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। विडंबना इस बात की है कि यह सब उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जिसका चुनाव चिन्ह एक जमाने में गाय और बछड़ा हुआ करता था। इस घटना का वीडियो देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारी अपील है कि परेशान होने के बजाय उन लोगों की पहचान कीजिए जो समाज को भड़काना चाहते हैं। आज हमारे पास कश्मीर घाटी से भी एक चिंताजनक वीडियो आया है। इस वीडियो में कुछ लोगों की भीड़ एक आतंकवादी का स्पर्श पाकर खुद को धन्य समझ रही है। इस आतंकवादी का नाम है जाकिर मूसा, जो हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर है। इस वीडियो में अलगाववादियों ने न सिर्फ इस आतंकवादी को अपने कंधों पर उठा रखा है, बल्कि ये लोग उसका स्पर्श करने के लिए उमड़ रहे हैं। जाकिर मूसा सेना के हाथों मारे गए आतंकवादी सबजार भट्ट के जनाजे में शामिल होने के लिए त्राल पहुंचा था। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मेजर गोगोई जैसे लोग जब लोगों की जान बचाते हैं और देश की रक्षा करते हैं तो कश्मीर में उनका अपमान किया जाता है, जबकि जाकिर मूसा जैसे आतंकवादियों का महिमामंडन करने की कोशिश होती है। यह एक वैचारिक इमरजेंसी है जिसका समाधान हमें जल्द से जल्द करना होगा। यह बात अब डिस्कशन और डिबेट से बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए इसका डीएनए टेस्ट करना भी आज जरूरी है। और आज हम रामपुर से आई शर्मनाक तस्वीरों का भी विश्लेषण करेंगे। यह एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में सुनकर आपका खून खौल उठेगा। रामपुर में कुछ लड़कों ने दो बहनों को घेर लिया और फिर उनके साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। जो वीडियो हमारे पास आया है उसमें करीब 14 लड़के नजर आ रहे हैं जो इन दोनों बहनों के साथ मारपीट, छेड़खानी और अश्लील हरकतें कर रहे हैं और इन्हें गालियां भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लड़कों ने इस पूरी वारदात का एक वीडियो बनाया और बाद में उसे इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया। डीएनए एक पारिवारिक शो है और अक्सर हम अपनी संपादकीय नीति के तहत ऐसी तस्वीरें दिखाने से परहेज करते हैं जो शायद आप अपने परिवार के साथ बैठकर कभी नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन आज हमने रामपुर से आई इन आपत्तिजनक तस्वीरों को धुंधला करके आपको दिखाने का फैसला किया है, क्योंकि इन धुंधली तस्वीरों के पीछे समाज, समुदाय, सरकारों और अपराधियों से जुड़े कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपीए सरकार के दौरान एयर इंडिया में हुए घोटाले की सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई ने एयर इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए हैं। आरोप है कि यूपीए सरकार ने 111 एयरक्राफ्ट खरीद लिए थे जिसमें विदेशी एयरक्राफ्ट निर्माताओं को 70,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। सरकार के इस फैसले की वजह से एयर इंडिया को बड़ा घाटा हुआ। इसके अलावा विमान लीज पर लेने में गड़बड़ी और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले रूट देने की भी जांच होगी। 2011 में संसद में पेश सीएजी और पीएसी की रिपोर्ट को इन जांचों का आधार बनाया गया है। सीबीआई ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय की प्राथमिक जाँच भी शुरू कर दी है। कश्मीर में मारे गए हिजबुल कमांडर सबजार भट्ट के जनाजे में हिजबुल का पूर्व कमांडर जाकिर मूसा और दर्जनों आतंकी भी शामिल हुए। कश्मीर के त्राल में सबजार के जनाजे में लोगों ने जाकिर मूसा को कंधे पर उठा रखा था। कई लोग उसे छूने की कोशिश कर रहे थे और मूसा के नाम के नारे भी लगा रहे थे। मूसा के अलावा सबजार के जनाजे में कई और आतंकी भी शामिल हुए। भारतीय फौज ने सबजार भट्ट समेत 2 आतंकियों को 27 मई को मार गिराया था। सबजार से पहले मूसा हिजबुल का कमांडर था। वो कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग पर हिजबुल से अलग हो चुका है। आतंकी सबजार अहमद भट्ट के मारे जाने के बाद रियाज अहमद नाइकू को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिजबुल के अन्य 2 पुराने आतंकी अल्ताफ काचू और सद्दाम पड्डर के मुकाबले हिजबुल नाइकू के हाथों में कमान सौंपने को ज्यादा तरजीह देगा।
रियाज नाइकू सिर्फ 29 साल का है और पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में दुर्बुक गांव का रहने वाला है। नाइकू पर 12 लाख का इनाम है। मौजूदा एक्टिव आतंकियों में नाइकू सबसे पुराना और सबसे पढ़ा लिखा आतंकी है। उसे कंप्यूटर, सोशल मीडिया और नई तकनीक की अच्छी जानकारी है। पंजाब के पठानकोट में मिलिट्री स्टेशन के पास एक बैग से सेना की 3 वर्दियां मिलने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना और पुलिस की टीमों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान छेड़ दिया है। कल रात कुछ यहां पे कुछ आर्मी के यूनिफॉर्म्स मिले थे, उसके संबंध में यहां से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कल रात मिलिट्री स्टेशन के पास आटे की खाली बोरी में सेना की यूनिफॉर्म की 2 पैंट्स और 5 शर्ट्स मिली थी। पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स का बेस स्टेशन भी है। पिछले साल आतंकियों ने यहां हमला किया था। इस साल मार्च में भी एयरबेस पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था। कश्मीर में आतंकवादियों को फंडिंग को लेकर एनआईए ने 3 अलगाववादी नेताओं को आज दिल्ली बुलाकर 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। एनआईए ने फारूक अहमद डार, जावेद अहमद बाबा और नईम खान को बैंक डिटेल्स और संपत्तियों के कागजात के साथ बुलाया था। सूत्रों की माने तो पूछताछ के लिए हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। गिलानी समेत इन 4 अलगाववादियों पर पाकिस्तान से हवाला के जरिए आया पैसा आतंकी संगठनों तक पहुंचाने का आरोप है। एनआईए ने पिछले हफ्ते ही श्रीनगर जाकर चारों से पूछताछ की थी। कश्मीर में आतंकी वारदातों के लिए पाकिस्तान और लश्कर ए तैयबा से फंडिंग का खुलासा जी न्यूज ने साल भर पहले किया था। केरल में सरेआम गोहत्या पर बुरे तरीके से घिरी कांग्रेस ने आज 4 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया। कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस घटना को बर्बर बताया था और उसकी निंदा की थी। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह, और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुत्तिल कर दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि इस घटना से कांग्रेस का असली चरित्र सामने आया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश पर सेंटिमेंट के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। केरल के कुन्नूर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोवंश की हत्या, जानवरों की खरीद बिक्री पर केंद्र के नए नोटिफिकेशन के विरोध में की थी। केरल पुलिस ने मुख्य आरोपी और कांग्रेसी नेता राजिल मुकुटी समेत 16 लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पशुओं की खरीद फरोख्त पर केंद्र सरकार के नए आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने बैन को राज्यों के अधिकारों पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है और वो कोर्ट में इसे चुनौती देंगी। और वी आर नॉट बाउंड टू अबाइड बाय दिस 2 रूल्स। ममता बनर्जी ने रमजान के महीने में इस तरह का फैसला दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ किया है कि किसको क्या खाना है क्या नहीं, ये सरकार तय नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर जर्मनी पहुंच गए हैं। पीएम आज ही डिनर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से बर्लिन के पास मेसेबर्ग में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय और ग्लोबल महत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी और मर्केल दोनों नेता कल इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल काउंसिलेशन के तहत बातचीत करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी के बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पीएम कल रात स्पेन पहुंचेंगे। पिछले 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा। स्पेन के बाद 31 मई से 2 जून तक पीएम मोदी रूस में रहेंगे। वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। 2 जून को रूस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के बाद पीएम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में फ्रांस जाएंगे, जहां वो फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुएल से चर्चा करेंगे। 6 दिन की अपनी यात्रा के दौरान पीएम करीब 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और मेक इन इंडिया के तहत निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्यौता देंगे। इस दौरे में कई बड़े समझौतों की उम्मीद भी है। पीएम मोदी ने जर्मनी पहुंचने के बाद ट्वीट कर उम्मीद जताई है कि उनका ये दौरा फायदेमंद साबित होगा और भारत और जर्मनी की दोस्ती और गहरी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया पर गुजरात के भावनगर में एक व्यक्ति ने जूता फेंका। मंडाविया भावनगर नगर पालिका के कार्यक्रम में पहुंचे थे। भीड़ में से एक आदमी ने भारत मां का नारा लगाते हुए मंत्री की तरफ जूता फेंका। पुलिस ने फौरन आरोपी भावेश सोमानी को गिरफ्तार कर लिया। भावेश पाटीदार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 4 महीने में बीजेपी के 5 नेताओं के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल और गृह मंत्री प्रदीप जडेजा पर भी जूते उछाले जा चुके हैं।
पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई ने आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को 8 दिन के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। शहाबुद्दीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने 22 मई को हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को आरोपी बनाने की अर्जी दायर की थी। 45 से ज्यादा आपराधिक मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में तिहाड़ जेल भेजा था। दिल्ली में एक ई रिक्शा चालक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम को हुई थी। वारदात के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। हत्या की वजह ये थी कि रविंद्र नाम के ई रिक्शा चालक ने दो छात्रों को खुले में पेशाब करने से रोका था। उस वक्त दोनों ने रविंद्र को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इसके बाद रात 8 बजे दोनों लड़के अपने साथ कई सारे लड़कों को लेकर आए और रविंद्र को ढूंढ कर ईंटों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। केंद्र शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें 50,000 रुपए का चेक सौंपा। ये बहुत निंदनीय है, भयंकर घटना है। इसलिए मैंने अखबार देखने के बाद तुरंत मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली सरकार ने भी पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी के रामपुर में सरेआम दो लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 9 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। सभी आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया है। जो वीडियो जिसने लिया और जो लोग मुख्य रूप से इस घटना में संलग्न हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो बाकी बचे हुए अभियुक्त हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान से बिहार के 10 जिले प्रभावित हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में 29 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी चंपारण में दीवार गिरने से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कुल मिला के 29 लोगों की मौत हुई है इस आपदा में। तरफ से किया सभी लोगों को मृतक के जो निकटतम आश्रित हैं उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल भी पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में बारिश होगी। अमेरिका से टकराव के बीच नॉर्थ कोरिया ने आज फिर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। 3 हफ्ते में तीसरा और साल में 9वां मिसाइल टेस्ट है ये नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट से छोड़ी गई ये मिसाइल 6 मिनट में 450 किलोमीटर की दूरी तय करके जापान की समुद्री सीमा में गिरी। जापान ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। पीएम शिंजो आबे ने कहा कि भड़काने वाली हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नॉर्थ कोरिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी मिसाइल टेस्ट रोकने की कड़ी चेतावनी दी थी।